आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा संग झगड़े पर देंगे जवाब। कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया सोमवार यानी आज वेस्ट इंडीज दौरे के लिए मुंबई से रवाना होगी। विंडीज दौरे पर भारतीय टीम को टेस्ट, वनडे और T20 की सीरीज खेलनी है। टीम के रवाना होने से पहले विराट कोहली पत्रकारों से बातचीत करेंगे। भारतीय क्रिकेट फैंस की नजरें इस बात पर जमी है कि क्या कोहली रोहित शर्मा के साथ चल रहे विवाद की खबरों पर कुछ जवाब देंगे। दोनों के बीच मतभेद की खबरें पिछले कई दिनों से चल रही हैं। BCCI की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि टीम इंडिया सोमवार को विंडीज दौरे के लिए रवाना होगी। टीम के कप्तान विराट कोहली रवाना होने से पहले मुंबई में शाम 6 बजे पत्रकारों से बात करेंगे। इससे पहले कहा जा रहा था कि कोहली बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए ही टीम के साथ विंडीज दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। इसकी वजह बताई गई कि रोहित शर्मा और उनके बीच चल रही कथित तनातनी की वजह से वे मीडिया से बात नहीं करना चाहते। आमतौर पर जब भी टीम किसी दौरे के लिए रवाना होती है, उससे पहले कोच और कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत करते हैं। विराट और रोहित दोनों ने ही मीडिया में चल रही आपसी विवाद की खबरों पर चुप्पी साध रखी है। दोनों की ओर से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। पिछले दिनों अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट में BCCI के सीनियर अधिकारी के हवाले से लिखा गया था कि बोर्ड ने खिलाड़ियों से बात की थी और आपसी मतभेद खत्म कर एकजुटता का संदेश देने को कहा था। रिपोर्ट की माने तो COA ने खिलाड़ियों से बात की थी और टीम में सब कुछ सही है जैसी पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखने को कहा था। शुक्रवार को COA प्रमुख विनोद राय ने इस तरह की खबरों के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया था। राय ने कहा था कि इस तरह की सारी कहानियां मीडिया के लोगों ने तैयार की है। कुछ दिन पहले गल्फ न्यूज ने रिपोर्ट में दावा किया था कि टीम इंडिया विश्व कप में 2 गुटों में बंटकर खेली। पहला ग्रुप विराट कोहली का था, वहीं दूसरा रोहित शर्मा का। आज देखना दिलचस्प होगा कि विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ चल रहे विवाद की खबरों पर क्या कहते हैं।